डीडवाना में जिला प्रशासन द्वारा कस्टोडियन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर जहां प्रशासन लगातार अतिक्रमणों को हटाने में जुटा है, तो वहीं अब विरोध के सुर भी तेज होने लगे हैं। इसी क्रम में अब अखिल भारतीय किसान सभा ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। किसान सभा के नेता भागीरथ यादव ने इस कार्रवाई को किसानों के साथ अत्याचार बताते हुए 12 अगस्त को डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आप भी सुनिए भागीरथ यादव ने क्या कहा। जिला कलेक्टर महोदय डीडवाना ने पिछले दिनों एक आदेश निकाला है और तहसीलदार और पटवारियों को निर्देश दिया है कि डीडवाना के अंदर जितनी भी कस्टोडियन की जमीन है, उस जमीन को सरकारी जमीन घोषित करके उसमें बोर्ड लगाया जा रहा है और ये काम त्वरित गति से शुरू हो गया है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सैकड़ों साल से जो किसान जमीन पे खेती कर रहा है, वो बसा हुआ है, उसका मकान है, उसके भाई कोई विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए होंगे, लेकिन उसका परिवार यहाँ है, तो ऐसी जमीन को वो सरकारी जमीन कैसे घोषित करते हैं, कर सकते हैं बिना किसी नोटिस के। हमें डीडवाना के अंदर 624 खसरे हैं और 773 एकड़ जमीन, यानी लगभग 4,000 या 5,000 बीघा जमीन है। उस जमीन में कितने परिवार जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बेदखल करने की जो सरकार की और प्रशासन की जो मंशा है, उसको हम जायज नहीं ठहरा सकते। और इसी को लेकर के हमने आज गिरधारीपुरा के अंदर भी मीटिंग की और 12 तारीख को 11 बजे हमने तमाम लोगों को बुला करके कलेक्टर साहब से मिलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि बाकी राजस्थान के अंदर कई जिले ऐसे भी है जहां कस्टोडियन की जमीन काश्तकारों के नाम की है, तो वो भी हम बात करेंगे और 12 तारीख को हम किसान सभा के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे।